सर्दी हो रही है, कैप लगा लीजिए। सो रही थी राधे 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 राधे। खुश रहो, पढ़ाई कर रहे हो? काम कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे। आज रात भर पढ़ते हैं तो हर साल रात भर पढ़ते रहते हैं। आज तुम जल्दी सो गए, तुम्हें कुछ मस्ती भी नहीं करी। पापा जी ने बहुत मस्ती करी बुआ ने। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, और जो भी मेरे प्यारे से व्लॉग में एंट्री कर चुका उसका ना हार्दिक स्वागत करते हैं और तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। तो व्लॉग मेरा 1 जनवरी का है, यानी कि 2022 का पहला व्लॉग है मेरा। मॉर्निंग से करीब 6:30 बजे से वीडियो स्टार्ट हो चुका है। आज हल्की सी धूप लग रहा है कि निकलेगी, और उसके बाद देखिए नाश्ता जो बना है वो सिर्फ पापा ने खाया है। वो ना आज 5 बजे उठ गए, तो उनको ना 7 बजे तक मैं नाश्ता दे दिया। पकौड़ियाँ थी जो दिखाई थी आपको। उसके बाद मेरी सफाई हो रही है, किचन साफ करके उनको ना नाश्ता हमने पहले दिया। और यहाँ पर करीब करीब जो है 7:30 का टाइम होगा, झाड़ू पोछा सारा हो रहा है। देखिए पोछा ना हम कोशिश करते हैं हाथ से लगाने की, और सर्दियों में तो मोप से लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है, पर ना आज हाथ से लगाए गंदा ज़्यादा था ना, जब गंदा ज़्यादा होता है तो हाथ से लगाते। उसके बाद देखिए जो ज़रूरी काम था मेरा और पेंडिंग भी था, बहुत टाइम से माता रानी को ना वूलन कपड़े पहनाने, तो मंदिर भी साफ़ करते हैं। जब भी हम माता रानी की ड्रेस बदलते हैं तो कपड़े भी साफ़ कर देते हैं, मंदिर भी साफ़ कर देते हैं, ये सब करते हैं। तो वही सब हो रहा है, और हम नहा के ना जस्ट मंदिर में आ गए। बहुत सारे काम बीच में हम कर चुके हैं। नीचे आओगे तभी तो मिलेंगे। नीचे आओ, इतना क्यों उतरा रहे हो? अरे हटोगी, धक्का मार रही हो मुझे। धक्का मार रही है लड़की। सही कहते हैं नंदे भाभी पे अत्याचार करती है। लिपस्टिक देखो रात में भी नहीं छूटती है, लगी है आपकी बिटिया ने हमको धक्का मारा। और बहुत सारे काम करने के बाद ना मेरा यहाँ पे लंच होने जा रहा है। एक्चुअली पापा के लिए डोसा सीख रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है। और डोसे की रेसिपी देखिए हमने पहले भी शेयर की है, और मेरी बेस्ट फ्रेंड है लवली पटेल जी, सब्सक्राइबर है मेरी, तो उन्होंने बोला था कि डोसे की रेसिपी शेयर करिएगा। पर डियर ना हम कर चुके हैं, और ना आज सूट करने का मतलब बनता नहीं था, क्योंकि बहुत बिजी थे हम, और हमें बाहर भी जाना है। कहाँ जाएंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जो है आप मेरे ना जो भी देखना चाह रहा मेरे डोसे की रेसिपी, वो मेरा पहले वाला वीडियो जो है देख सकता, आई बटन पर वीडियो लगा के देंगे तो आप क्लिक करके उस पर पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत अच्छे बनते हैं, इस बार से ज़्यादा अच्छे ना मेरे पिछली बार बने थे। तो आप लोग देखिएगा और जो है ट्राई भी करिएगा। नहा लिए? कहाँ अभी, अभी लगवा ना। लगवा के आएंगे, लगाई है, लगवा के आए नाव से। नाव से लगवा सही लगती है। हाँ एकदम, एक एक बाल में लगी है। नहा लिया? प्रसाद खा लो, रखा है, खा रहे खा रहे खा रहे। और दूसरा मेरे बाबा के पैर तो छू ले। बाबा के पैर छू लो, बाबा के पैर छू ले, पैर छू ले। हमें नहीं पता है देख कैसा बनाया है। बहुत लड़की कैसी नंदे, देखो काम आम कुछ नहीं, खा लेंगी। ए भाई मेरी बुराई क्यों कर रही हो? बहन का फोन आ गया है, दोनों बहनें लगी पड़ी हैं, बच्चा हमको थमा दिया है, हमसे काम करा रही हैं। वो भाभी का ट्राईपॉड लेके ब्लॉगिंग चालू है। अब पता मोनी इसने क्या किया, मंदिर खुला था कल, दोनों जूते मंदिर के अंदर। क्या किया? तो बस अब ना सारा काम मेरा हो चुका है, और शाम का खाना ना जहाँ जा रहे हैं वहीं से पैक होके आएगा। तो कहाँ जा रहे हैं अभी आप लोग वो देखिएगा। और देखिए जो हेयर ऑयल हमने आपके साथ शेयर किया था ना, उससे मेरे इतने बड़े बड़े बाल हो चुके हैं, आगे वीडियो में आप मेरे बाल देखेंगे। और देखिए दीपा नहा धो के आ गई हैं, थोड़ा लेट ना आई क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े इसने अपने भी धुले हैं, मेरे भी धुले हैं। हमने नंद भौजाई मिल बांट के काम कर लेते हैं, हालांकि उसका मायका है पर ना मम्मी की तबीयत की वजह से वो फ्री नहीं है, मेरे साथ बहुत सारे काम कराती। तो देखिए दीपा के बाल इतने लंबे हैं और मेरे इससे ज़्यादा लंबे हैं, आप लोग आगे देखिए वीडियो में।
मिनट हाथ दो, एक मिनट हाथ दो, हाथ दो। हैप्पी न्यू ईयर। दीपा एक छोटे से बच्चे की माँ है ना, तो इसलिए बिजी रहती है, उससे ज्यादा हम बिजी रहते हैं क्योंकि छोटे से बच्चे की मामी है, डबल माँ है ना इस वजह से। और देखिए, एक साल में मेरे बाल इतने लंबे हो गए। आज हम लोगों ने एक जैसा लुक बनाया है, दीपा ने हमने। लो लो लो। कलर बताइए किसका अच्छा है। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर, कहाँ जा रहे हैं, आप लोगों को लेके जाएंगे। बच्चा रो रहा, बाद में बात करेंगे। ठीक है, तैयार? ठीक हुए मम्मी? ठीक लग रहे हैं? छोटी को ज्यादा लंबी लग रही है। छोटी को ज्यादा लंबी लग रही है ना। सामान सारा झोले में आ गया है। चलो झोला नीचे पहुंचा दो। मेरी गैस सही होने गई है, ये देख रही है जगह, मेरी गैस खराब हो गई है, खराब थी बहुत टाइम से। सही बात है, जब वीडियो शूट होता है ना, जब ये बहुत सारी चीजें बोलती है खाने। पूरे 1.5 घंटे बाद इस निष्कर्ष पर निकले हैं हम लोग, पहुँचे हैं कि हम लोग जाएंगे। बहुत जाम है, बहुत जाम है। और ये सारे मर्द है ना, मेरे घर के मर्द, ये हम लोगों को भेजने के पीछे पड़े मर्द पार्टी कर सके। हाँ सच में, पता नहीं लोगों को क्या कह रहे, जाओ जाओ जाओ, बहुत सारा जाम है भैया ने बताया। तो देखिए, घर में ना हम लोगों को पहले से पता चल चुका था कि रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक बहुत है, भैया ने आके घर पे बताया था। पर ना ये हुआ कि हम लोग रेडी हो चुके थे और जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दीदी ना बहुत टाइम से हम लोगों को बुला रही है, हम लोगों का निकलना नहीं हो पा रहा। और ना उनके यहाँ पूजा है, एक्चुअली ना उनका नया घर बनाया, अभी शिफ्ट हुई है जल्दी में, 2 महीने पहले भी बुलाया था उन्होंने और अभी भी बुलाया। सुंदर कांड होगा, पूजा होगी और भी काफ़ी कुछ होगा। तो देखिए कितना ज़्यादा जाम है, और देखिए 15 से 20 मिनट का रास्ता है उनके यहाँ के जाने के लिए, पर हम लोगों को ना पूरा 1 से 1.5 घंटा लग गया, जाम बहुत था। तो देखिए हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और आए हुए हम लोगों के 1 घंटा भी हो चुका है। तो सुंदरकांड होना था वो हुआ, भजन हुए, और ये दीदी हैं, ये मेरी सासू माँ की सगी भतीजी हैं, और बगल में जिया जी हैं, आरती हो रही है भगवान जी की। और दीदी के ना 3 बेटे ही बेटे हैं, और दीदी का ये देखिए नया घर है। तो अभी इस घर में ना दीदी ने पूजा रखवाई थी, वही पूजा हो रही है। और काफ़ी लेट हो गए हम लोगों को, दीदी ने ना 1 बजे बुलाया था, हम लोग ना करीब 7 बजे आए हैं। गौ माता की जय हो, धरती मैया की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, बोलो हर हर। तो देखिए पूजा यहाँ पे ना संपन्न हो गई, और दीदी ने ना 56 भोग भी लगवाया था। जो भाभी है मेरी जेठानी, यानी कि दीदी की भाभी, उन्होंने 56 भोग लगवाया था, और खाने की तैयारियाँ हो रही हैं। और बाहर से कोई नहीं आया था, सारी ना दीदी की फैमिली थी, हम लोग जो है सब जो है फैमिली वाले लोग ही हैं। और दीदी की देवरानी है, अभी आपको सामने से मिलवाएंगे, और ये दीदी हैं, और दीदी का घर बहुत प्यारा, देखिए आप लोग। तो मेरे वीडियो देखते हो कैसे लगते हैं? बोला देख पीछे, किसी का खाने पे ध्यान नहीं है, ये देखिए फोटो शूट हो रहा है। आंटी बना रही खाना, आंटी की शूट कर, और देखो सास बना रही खाना और बहू में फोटो खींच रही है। सास बेचारी खाना बनावे, बहुआ खाने जाए, परसों ये सास जमाना आया। हैप्पी न्यू ईयर भाभी, सेम टू यू। चलो आओ मम्मी बैठा।
और ये प्रिया गुप्ता हमें सूट करते हुए समझ आए कि नहीं मेरे हाथ पे क्या दुश्मनी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल का बॉर्न बाई अंजलि गुप्ता और मेरी जिठानी जी आ गई हैं। भाभी भाभी देखो चाची भाभी भाभी हम कितने फास्ट हैं, बना भी लिया और खाने लगे। देखिए बाल, कल के वीडियो में तेल लगाया था, बाल देखो प्रोग्रेस कितनी लंबी हो रही है। हम ऐसे वैसे चीजें नहीं बताते जो चीजें हर कर चाची की 14वीं पूरी है, 14 हो गई, हम इनकी 15 ये तो यही गिनने आई मेरे पूरे ये यही करने आई सब शादी करने आई हम तो खा नहीं रहे क्योंकि बरसात खिला दो। हमने कल तेल डाला था वीडियो में और लगाया भी था, बाल देखो कितनी पूरी खाई हमने, बस ज्यादा नहीं गिनती की 20 20 जो तुमने छोड़ा था पहले वही खा रहे थे। पता चल गया था एक हफ्ते पहले की रामायण है तो हमने उस दिन से खाना बंद कर दिया। सेम जैसे दीपा बुआ करती है वैसे हमने भी किया था। तुमने दीपा सीख लिया था बचपन में, सिखा दिया था बचपन में, हम साथ रहते थे। ये 8 दिन से नहीं खाया ये छोटू। हाँ ये 8 दिन से यानी दीपा ने पूरा ट्रेन कर दिया क्या पूरा। लो ये लो लकी, कितने दिन से खाना नहीं खाए थे, कितने दिन से भूखे थे? 5 दिन से। सही है दीपा पे नहीं गया, ये बुला रही है। ये लाल वाला सूट है ना, ये भी भाभी चाची को दे देना, चाची को लोग ज्यादा खा रहे तो अरे पर मांगेगा लग रहा है। दे देना हमको भी, दे जाना वह हमको भी कुछ दे जाना वैसे। अरे ये तो उनको हमें और भी रखना होगा ना, इतनी बढ़िया पक्की बढ़िया है पापा जी तो फिर अच्छे हैं, इनसे तो अच्छे ही हैं ये नमक भी हाँ ये तभी तो इनका बच्चा भी अच्छा लगता है। पैसा भी अच्छा लगता है नहीं नहीं ये नहीं, ये जो यहाँ पे लगा यहाँ पे हमारा चंबल ये ना तो इनकी ओवर एक्टिंग है, इनकी छोटा किशन इनकी ओवर है। तुमने तो बोला हमने तो नहीं, वो पंखा है ना ये यहाँ अरे भाई ये जो बीच से पिलर गया मस्ती कर रही है। तो देखिए अभी ना आपको घर दिखाते हैं और सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं और सेकंड फ्लोर ना दीदी के देवरानी का है, सेम ही है दीदी देखिए 4th फ्लोर पे हैं और ये वाला सेकंड है शायद में, तो सेम बना है बस टाइल्स का फ़र्क है। और देखिए अभी घर ना पूरा फिनिशिंग नहीं हुई है, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं जैसे कर्ड वगैरह का काम बाकी है, बहुत सारे काम ऐसे जो हुए नहीं है। देखिए मंदिर भी ना अभी इनके यहाँ लिया नहीं गया, ऐसे ही रखा हुआ है मंदिर पूजा करने के लिए, तो टाइम लगेगा काफ़ी। देखिए घर बनता है और ना 1 साल से ऊपर हो गया जब दीदी का ये घर बन पाया, 4 मंजिला घर है ये और काफ़ी सुंदर सा बना है, और जब पूरा बन के रेडी ये होगा तो और भी सुंदर लगेगा। और जो रेड सूट में आपको दिख रही हैं वो दीदी की देवरानी है, और देखिए यहाँ पे ना दीदी और इनकी देवरानी का रिश्ता हमने शुरू से देखा हुआ है, मेरी शादी को 20 साल हो रहे हैं, लगता नहीं है कि देवरानी जिठानी, ऐसे लगता है सगी बहने हैं। और कुछ सामान इनके घर में रखा हुआ है, इनके मोहल्ले में शादी है ना तो यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि जगह खाली पड़ी होगी तो उन्होंने बोला होगा। तो मेरी दीदी जीजा को ना आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, वो लोग जीवन में अपने खूब तरक्की करें और सारी दुखी बीमारियों से दूर रहें। चलो चले चलो चलो चले दीदी हैं, बाय बाय बाय। नमस्ते जिया जी, नमस्ते। तुम्हारे जिया जी बोले वीडियो बनाती हुई जाएंगी, बाय बाय अंजलि, गुड नाइट, राधे राधे। वाला कर ले 12 बजे पहुंची, 11 बजे लॉकडाउन में पुलिस डंडा मारेगी, दीपा ही खाएंगे डंडा, कह देंगे यही आई है हमें लेके, मैं तो पर सब हमें कुछ पता नहीं है, हम ना ये गांव के बसेरी हमें कहाँ पता हमको। तो बस हमारे जो है फैमिली ब्लॉग का एंड होने जा रहा है, नया दिन नया साल नया घर, और मेरी शुरुआत तो बहुत अच्छी रही ईश्वर के नाम के साथ सुंदरकांड के साथ। और आप लोगों का नए साल का पहला दिन कैसा गया आप लोग ज़रूर बताइए। और देखिए मेरे प्यारे से ब्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आता है, आपके दिल को कुछ भी छूता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए, और जो है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप ना मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो ठीक है आपसे विदा लेंगे और बोलेंगे आप लोग हमेशा खुश रहिए। तो बाय बाय, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना और अपने आसपास वालों का भी।